गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ले, वेलकम बैक टू माय चैनल टूरिंग लव। तो कैसे आप सब लोग, भारी अपुन भी भारी। तो अभी ले से हम निकल रहे केलोंग के लिए। केलोंग जो है वो यहाँ से है 359 किलोमीटर, जहाँ पे हमारा होम स्टे है आज का। बहुत ही ऑफ रोड वाला, एडवेंचर वाला आज का राइड होने वाला है, जो कि मैंने तो पहला किया है लास्ट ईयर एक्टिवा पे, ले टू मनाली वाला रूट। तो बाकी जो भी नए नए राइडर है, जो मतलब जो फर्स्ट टाइम कर रहे, उनको तो आज के दिन में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ऑफ रोड करने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो चलो जी, अभी ले से निकलने का अपना टाइम हो गया, 8:30 हो रहे सुबह से। अभी निकलते यहाँ से, गणपति अप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, ओम साई राम। चलो मुजीत भाई, मिलेंगे मनाली में, बाय बाय। ऐसा आराम से मारो, ये लगेगा। चलो बाय बाय। अभी सब निकल गए, मैं सबसे पीछे आराम से निकलता हूँ। अभी सबसे पहले तो फ्यूल अप करना है, क्योंकि टांडी तक यहाँ से पेट्रोल पंप नहीं मिलने वाला है। तो अभी हम क्या करेंगे ना, लेह में पेट्रोल नहीं भरवाएंगे, हम जाएंगे खारू में भराएंगे, फिर वहाँ से निकल जाएंगे। सब राइडर का पेट्रोल भर के हो गया, बस मेरा टंकी फुल करना है बगीरा का, बाकी कैन तो आ गया, बस हो गया इतना यार, आराम से जाएगा। चलो वही अपना जगह पता है ना आपको, यहाँ पे रखने का, एक साइड ये पैर, एक साइड ये पैर, और चलो जुगाड़। मौसम ने आज जज्बात अपने बदल दिए हैं, सामने का आप देख सकते हो क्या हाल है। वैसे यहाँ पे ले में सुबह सुबह बारिश भी हुआ है। बगीरा का टंकी फुल हो गया है, ये भी थोड़ा पेट्रोल रखा है, फिर अपना जीतू का जो 10 लीटर का है उसमें भी मेरा थोड़ा फ्यूल है, बाकी सब राइडर का फ्यूल अप करके हो गया। अभी यहाँ से निकलते हैं जी हम, और एडवेंचर करते हैं। अब तक जो भी ऑफ रोड किया है भाइयों ने, पर आज का जो ऑफ रोड है ना वो बहुत ही खतरनाक वाला है। तो आज कैसा किया है ना, सचिन करेगा लीड, मैं बीच में से ही सबके ऊपर ध्यान रखूँगा, तो ऐसा कुछ है। बाकी ये सब लाइनअप हमारा निकल रहा है, अभी हम मनाली के लिए हो गए सब रेडी। चलो चल सचिन, उपसी का चेक पोस्ट आ गया है मनाली जाना, तो यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। अभी सब राइडर को क्या किया ना, लाइन से लगने के लिए बोला है, तो सबका यहाँ पे एंट्री होगा, तो एक यहाँ से निकल जाएगा वहाँ पे रहेगा। सरचू यहाँ से 200 किलोमीटर है, और ये रोड भी आप देख सकते हो पूरा गीला हो चुका है, बारिश गिरा है यहाँ पे। बस अभी एक ही है सीन कि सरचू में भी अगर बारिश गिरा होगा तो सरचू में एक रूट ऐसा आता ना जहाँ पे पूरा मिट्टी मिट्टी है, वहाँ से हमको गाड़ी निकालना होता है। अगर वहाँ पे बारिश गिरा होगा तो वहाँ पे मिलेगा हमको कीचड़, और कीचड़ में से गाड़ी निकालना मतलब फुल भारी वाला एडवेंचर होगा। ये आ गया गया विलेज, यहाँ के नाम भारी होते हैं ना। अभी पीछे गया वो था लातो विलेज, ये गया विलेज। सामने का व्यू देख लो यार, लाजवाब लाजवाब। और जैसे जैसे ये स्नो माउंटेन्स के पास पास में हम आ रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड भी हमारे एकदम पास पास आ रही है। यहाँ पे खुदाई का काम चल रहा है, जेसीबी की खुदाई, कितना फेमस हो गया था ना एक टाइम पे ये। आधे राइडर जो है वो आगे निकल गए, और भी पीछे से राइडर आ रहे थे, इसके लिए मैं यहीं पे वेट कर रहा था। तो अभी किरण के पास में अरविंद जी जो है उन्होंने मैसेज भेजा है कि प्रतीक को नीचे आने के लिए बोलना, उनका जो बाइक है एवेंजर वो चढ़ ही नहीं रहा है ऊपर, और पेट्रोल भी बहुत खा रहा है। तो अभी मैं निकलता हूँ नीचे, किरण तुम लोग निकल जाना आगे, है ना। चल फिर मिलते हैं आगे। मैं अभी फिर से नीचे जा रहा हूँ, देखते अगर ज़्यादा ही कुछ तकलीफ लगता है ना तो बाइक सीधा यहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं मनाली के लिए, वही बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अगर पेट्रोल भी ज़्यादा खा रहा है और गाड़ी ऊपर भी नहीं चढ़ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत देगा, यहाँ पर रात निकल जाएगी पूरी। यार बाइक बहुत ही दिक्कत दे रहा है। अभी इसमें कैसा होता है ना, ये देखो बार बार जितना आप एक्सीलेटर दोगे उतना पेट्रोल भी खाएगा। टूरिंग लाइफ फैमिली मेंबर्स मिल गए हमको, ये भी जा रहे मनाली की ओर। ओ हो, ट्रक देखो, बस थोड़े के लिए बचा है बॉस, अगर ये बैरिकेड नहीं होता ना तो सीधा ये ट्रक नीचे था। यहाँ पे हमको रुकना पड़ेगा और आधा पौना घंटा। अभी क्या है ना, एक तो पहले लेट हो गया, 2 बज चुके, तो इनको हमने कहा कि हम नीचे से चले जाएंगे, बाइक क्या आराम से जाएगा। चलो जी, ये सब चीज़ के लिए बहुत टाइम जाएगा। स्नो देखो जी यहाँ पे कितना भरा हुआ है, ओए होए होए होए, साइकिल गैंग एक नंबर यार, क्या बात है बॉस।
बहुत ही बड़ा ग्रुप है इनका, एक नंबर। क्या हो गया? मनाली। चलो सही है, एक अच्छा हो गया। अरविंद जी का जो बाइक है ना वो तो चढ़ ही नहीं रहा है, बस एक्सीलेटर बार बार दे दे के कैसा कैसा 10-20 के स्पीड पे हम लोग ने 20-30 किलोमीटर चला के लेकर आए। कर्नाटका के कुछ राइडर है, उन्होंने भी अपना बाइक ऊपर चढ़ा दिया। अभी अपना ये एवेंजर भी जाएगा, पर एक बहुत ही मुझे मस्त लगा कि 1000 रुपये में बाइक के साथ में आदमी को भी लेके जा रहे मनाली। और क्या चाहिए, इतने कम में नहीं मिलता है। रुको 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 रुको, ये ऊपर छोटा, रुको रुको, हाँ रुको, हाँ जय श्री राम। अभी दोपहर के 3:15 हो रहे हैं, 118 किलोमीटर का अब तक राइड हुआ है, बहुत ही पीछे हम तीनों भी। अभी अरविंद जी का बाइक तो चढ़ा दिया है। ये देखो जी, ये देखो स्नो, देखो निकाल रहे पूरा यहाँ से। ओ हो, आज तो केलोंग नहीं हो पाएगा। आज जहाँ पे रुकने के लिए जगह मिलेगा वहीं पे रुक जाने का और जान बचाने का बस। अरे यार ये कैडबरी कहाँ से आ गया बीच में। ये आ गया जी तांगलंगला टॉप, 17,582 फीट अभी ऊपर है हम। और यार यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम रुक नहीं सकता, ये मेरे हाथ पूरे जमे हुए हैं। और क्या हो गया ना, वो अरविंद जी का बाइक चढ़ाना था, वहीं पे हम आधा 1.25 घंटे रुके थे, तो वहीं पे भी आसपास में स्नो था, बैंड बज चुकी है बॉस। अभी डबरिंग में भाइयों हम रुके हैं, कुछ मैगी खा लेंगे या चाय पी लेंगे, थोड़ा गर्म गर्म होना चाहिए। तो क्योंकि आपने देखा ना पीछे यार, क्या स्नो पड़ा हुआ था बॉस रोड के साइड में, इससे हाथ पूरे जम गए थे, अंगूठे तो पूरे काम से गए थे। ये देखो, हाय मुंबई, मुंबई में दादर में से, ये है आपका नाम बताओ जी? अश्विनाबन। ये निकले है कश्मीर टू कन्याकुमारी टू कश्मीर, कन्याकुमारी टू कश्मीर करने के लिए, जो कि इन्होंने कर लिया है। अभी कैसा शुरुआत किया वो जरा बताना। मैं दिसंबर 16 कन्याकुमारी से शुरू किया था, सो कन्याकुमारी से फिर बैंगलोर गया, फिर गोकर्ण गोवा, फिर कोल्हापुर पुणे मुंबई, फिर उधर से वापी सूरत अहमदाबाद मोढेरा राज, फिर उदयपुर अजमेर, सब करते करते आप आ गए कहाँ पे, कश्मीर। हाँ फिर कश्मीर से अभी आगे ले में, अभी ले से जाएंगे मनाली, मनाली से जाएंगे चंडीगढ़, फिर चंडीगढ़ से जाएंगे साइकिल ट्रेन में डाल के सीधा मुंबई शुरू होने वाला है। दादर से है तो मुंबई। हाँ। वाले भाइयों देखो, अपने यहाँ के बंदे ऐसे भी है जो साइकिल पे एकदम मौज कर रहे, सही बात है। तो डबरिंग से अभी हम निकल पड़े और हमारा निकलने का टाइम और अरविंद जी का आने का टाइम हो गया, उनका बहुत मूड ख़राब हो गया। उनके क्या होगा ना, जो ट्रक में गाड़ी डाला है ना उसमें ट्रक जैसा ब्रेक लगा रहा है वैसा गाड़ी आगे आगे आ रहा है, तो आगे पीछे होके उनका मिरर वगैरह भी सब टूट गया है, तो बहुत सारा नुकसान हो गया। पर कोई नहीं यार, बाइक तो क्या हम फिर से जाके बना लेंगे, पर अभी सही सलामत हमको मनाली तक जाना वो बहुत ज़रूरी है। अभी पांग यहाँ से 43 किलोमीटर है, मैंने मैसेज भेजा था एक राइडर के पास में कि बाकी के जो भी राइडर है उनको पांग में ही रुकना है। अभी उन लोग रुके रहेंगे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि हमको बहुत टाइम लग गया। मैं तो अभी ऐसा सोच रहा हूँ ना, देखो अभी 4:30 बज चुके हैं, यहाँ से पांग जो 37 किलोमीटर है, तो नहीं नहीं बोल के और 1 घंटा तो जाएगा। तो बस यार सरचू में रुकना तो सही नहीं रहेगा, सरचू में भी बहुत दिक्कत हो जाता है, ऑक्सीजन भी लेवल बहुत कम होता है। तो पांग में अगर स्टे मिल जाता है ना तो पांग में आज रुकने की कोशिश करेंगे, फिर कल सुबह सुबह पांग से निकल के मनाली जा सकते हैं। ऐसा विंड आ रहा है ना यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जो है ना वो रास्ता छोड़ देगी। क्या बात है, मैसेज दिया था पांग में रुकना है, सब लोग रुके हुए, एक नंबर। ये देखो जी बाइक्स स्कूटर्स यहाँ पे पार्क हो गए और फाइनली हमारा जो स्टे है वो पांग में हो गया। जो पहले यहाँ पे आए थे ना राइडर्स, उन्होंने एक भारी काम किया, यहाँ पे आके सबसे पहला स्टे का बात कर लिया और डन कर दिया। अगर ये लोग नहीं करते थे ना डन, तो यहाँ पे भी हमको स्टे नहीं मिलता, हमको फिर आगे ही जाना पड़ता सरचू के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो गया ना कि जितने भी स्टे है ना आसपास में सब फुल हो गए थे, और ये जो है ना यहाँ पे बस अपने राइडर्स ही रुकेंगे, तो ये एक बहुत ही अच्छा हो गया।
बाकी आज का राइड कैसा था जरा बताओ यार, एक एक लाइन में बताओ। चलो बहुत बढ़िया, एडवेंचरस, जबरदस्त, भारी, लाइफ टाइम मेमोरी, धमाकेदार, वेरी चिल्ड राइड, वेरी चिल्ड राइड, फुल पावर राइड, पीस आउट। देखो क्या है ना, अभी हमारा जो होटल था वो था केलोंग में, हाँ हम रुके यहाँ पे, यही है ट्रैवल पे ऐसी चीज़ें नहीं होगी ना तो फिर एडवेंचर का मज़ा कैसा आएगा। अभी देखो वो होटल कितना बढ़िया था, अभी ये जो होटल है वो भी देख लो, आपको दिखाता हूँ। ये फाइव स्टार है हमारे लिए बॉस। ये देखो जी यहाँ पे हमारा डिनर बन रहा है। जुअर जी हेलो, शाबाश जी, यहाँ पे हीटर लग गया है, पूरा धुआं जाएगा यहाँ से ऊपर। विजय भाई सबसे पहला आपको ये है जी, यहाँ पे चार लोग सो सकते हैं, पांच भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये है जी यहाँ पर वॉशरूम, देखो कुछ दिखाई नहीं देगा वैसे, और 12-15 लोग भी सो सकते हैं ऐसा यहाँ पे कमरा है। ये देखो जी अभी लाइट नहीं, इसकी वजह से नहीं दिख रहा है। ये देखो यहाँ पे 12-13-15 लोग सो सकते हैं। तो ऐसा कुछ है हमारा आज का स्टे। देखो क्या है ना, ये सब चीज़ें जब होती है ना तब और मज़ा आता है, और यही सब यादें हैं जो हम बना के जाएंगे और फिर कभी किसी को स्टोरी में सुनाएंगे कि हम जब निकले थे केलोंग के लिए ले से, तब नहीं हो पाया था, कुछ हादसे हो गए, कुछ किस्से हो गए, इसलिए हमको पार्क में रुकना पड़ा। यहाँ पे हीटर लग गया है, सब लोग मस्त अभी गरम गरम हो रहे, पर ये जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद फिर जो ठंड है ना डबल लगना चालू हो जाएगी, तभी चादर लेके सो जाने का, तभी अंदर जाने का, चादर लेने का और सो जाने का, वैसे भी रात में ठंड तो बढ़ जाएगी। बाकी आज यार जो अरविंद जी का हो गया बाइक का, फिर मेहुल का हो गया, क्या है ना राइड के टाइम पे जब हम निकलते हैं ना 15-20 दिन के राइड पे, लॉन्ग राइड पे, तो हर दिन आपका अच्छा जाए ऐसा नहीं होता है, कई एक दिन पे जैसा आज हो गया वैसे कुछ हादसे हो जाते हैं, पर कोई नहीं, जैसे कि उन लोग अभी गए मनाली में पहुंच जाएंगे, फिर कल भी हम पहुंच जाएंगे, फिर साथ में फिर से अच्छे से राइड करेंगे। ये वाला ब्लॉग आपको कैसा लगा है ये कमेंट में ज़रूर बताना। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा फॉलो करना, ये जो सामने आ रहा है मेरा इंस्टा आईडी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो अगर पसंद आ रहे तो सब्सक्राइब करना बनता है। तो मिलते भाइयों ऐसे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।